ये कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले कई दिनों से ये देख रही हूँ कि कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं, जो कि यहाँ से प्रत्याशी भी रहे, वो कुछ भी ऊटपटांग बक रहे हैं, कुछ भी ऊटपटांग बोल रहे हैं बिना किसी तथ्य के, बिना किसी एविडेंस के। सबसे पहले उन्होंने मेरे परिवार के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, मेरे पति पे आरोप लगाए, मेरे भाई पर आरोप लगाए। मैंने उनको भी ये सोचकर कि चुनाव चल रहा है, अभी क्यों इस तरह की कोई रस्साकशी की, मैंने किसी बात का कोई जो है जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इनको कर लेना तो जो ये कर रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं देख रही हूँ इनकी हरकतों को, तो मुझे लग रहा है कि ये अपनी जो है हार को पहले ही देखकर, संभावित हार को देखकर बौखला गए। और जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सख्त ज़रूरत है, इनको बहुत जल्द हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए। क्योंकि परिवार तक तो पहले तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि चुनाव के दिन 2:18 पर मेरे परिवार के सदस्य और मेरे लिए भी कहा गया कि हम लोग पैसा बांट रहे हैं, हम लोग दारू बांट रहे हैं। मतलब शर्म की इंतहा है कि किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं। और तो ये मैं इनको बिल्कुल आगाह कर देना चाहती हूँ कि ये इस तरह की हरकतों से बाज आए। इन्होंने मेरे परिवार के ऊपर बहुत आरोप लगाए, मैं चुप रही। एक भी इन्होंने कहा 2:18 पर क्या पेश किया इन्होंने, मुझे दिखाएं, नहीं तो मानहानि का दावा करूंगी मैं इनके ऊपर। देखिए, स्ट्रॉन्ग रूम में हमने कल भी साथी भेजे थे, अभी कल पानीपत में कुछ ईवीएम पकड़ी गई है, 2-3 ट्रक। हम बहुत सी शंकाएं तो हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों को मैंने कहा भी है कि पूरा ठीकरी पहरा दे, चारों तरफ राउंड तक लोग मामला घुमाते रहे, आस पड़ोस में भी कोई अगर गाड़ी मिल जाती है तो इसको आग लगा दें, इस तरह की गाड़ी जिसमें गड़बड़ हो, कोई नहीं छोड़ना। गड़बड़ वाले मशीन को या कोई भी इस तरह का मामला मिल जाता है, कोई और पकड़ में आ जाता है, तो उसका पक्का इलाज कर दें। लोकतंत्र से खिलवाड़ वो नहीं चलेगी, लोकतंत्र की रक्षा कांग्रेस करेगी। और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि ईवीएम की मशीनें जो हैं वो ट्रकों में नज़र आएंगी और आप उनको आग लगा दें। ये बहुत ज़बरदस्त एक ऐसा बयान है जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए, और मैं खुद इस चीज़ को पर्सनली नोटिस कर रही हूँ कि आग लगाने का काम करेंगे ये लोग। ये क्या भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्या भड़काऊ बयान दे रहे हैं ये लोग, आम जनता के अंदर ये किस तरह की भावना पैदा करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रशासन जो है वो किसी तरह के दबाव में ना आए, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी एक्शन बनता है वो एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को। प्रशासन जो है वो क्यों चुप है, इन्होंने बिल्कुल सरेआम ये बात कही है कि आग लगा दे। कहाँ आग लगाना चाहते हैं ये? ईवीएम के अंदर जो सभी हमारे मतदाताओं की जन भावनाएं एकत्रित हो रखी हैं, उन जन भावनाओं को आग लगाना चाहते हैं ये?